हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और आज मैं आपको लेके आया हूँ मेहरानगढ़ के किले में। आपको पता है कहाँ पे ये? ये है जोधपुर में। और आज मैं किसी काम से जोधपुर आया था, तो मैं आपको आज मैंने सोचा मेहरानगढ़ का किला दिखा देता हूँ। तो चलो हम देखते हैं मेहरानगढ़ का किला। तो मेहरानगढ़ किले में जाने से पहले, सबसे पहले यहाँ पे ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। तो यहाँ से सिक्योरिटी चेक के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। वो सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, तो चलो हम चलते हैं अंदर। तो ये यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी चेक हो चुका है और उसके बाद हम चलते हैं अंदर की तरफ। देखो स्कूल के बच्चे भी आज यहाँ पे घूमने के लिए आए। तो ये इसका मेन गेट है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्रवेश द्वार। तो ये किले का ये प्रवेश द्वार है। तो यहाँ से हम एंट्री करते हैं और इसके बाद मिलेगा हमको टिकट काउंटर। तो गेट से घुसते लेफ्ट साइड में ये टिकट काउंटर नंबर 1 है। तो चलो पहले हम ले लेते हैं यहाँ से टिकट। कितने का टिकट है भैया? 200 रुपीज़ टिकट है। चलो हम टिकट ले लेते हैं पहले। तो सर टिकट हम ले चुके हैं और पर पर्सन यहाँ पे 200 का टिकट है। और ये एक लिफ्ट का भी टिकट है। तो चलो हम लिफ्ट से भी आप जा सकते हैं। कौन से माल स्टोरी पहुँचेंगे मेरे को नहीं पता। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि लिफ्ट कौन सी है। आने के बाद हम यहाँ से एंटर करते हैं और यहाँ पे आपका टिकट भी चेक होगा आगे। ये यहाँ पे टिकट चेक करेंगे लोग। ये हमारे वैसे लिफ्ट है, यहाँ पे इसके थ्रू जा सकते हैं हम। यहाँ पे भी लाइन लगी वैसे लिफ्ट वालों की। नॉर्मली अगर पैदल जाना चाहते हैं आप, तो ये रास्ता है जो कि आप पैदल जा सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिफ्ट से जाएंगे लेकिन आएंगे उस रास्ते से। चलो देखते हैं। अभी जब हम लिफ्ट से बाहर आते हैं तो हम पहुंचते हैं इस टेरेस पे। ये ओपन टेरेस है यहाँ पे। तो चलो यहाँ से देखते हैं कि नीचे का नज़ारा बहुत ही सुंदर नज़र आता है यहाँ से। इधर से आपको ब्लू सिटी दिखने के लिए। तो दोस्तों वो जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, वहाँ से हम चढ़े इस पहाड़ी पे और सामने जो वाइट सा एक और नज़र आ रहा है वो है जसवंथाड़ा। फिर उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रही होगी, ये है पार्किंग। यहाँ पे आप पर्सनल व्हीकल या जो भी है तो यहाँ पार्क कर सकते हैं। और उसके बाद इस रास्ते हम यहाँ पहुँचे थे। और ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है पूरा ब्लू कलर में, ये इसको ऐसे पुराना जोधपुर बोलते हैं। और ये जो हम लिफ्ट से आए और जो पैदल रास्ता है वो आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, ये इधर से होते हुए यहाँ से होते हुए लोग फिर यहाँ से निकल के आते हैं, जाते टाइम जाएंगे इधर से। तो और ये जो आपको कबर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये चेयर एंड टेबल है। और ये एक्चुअली यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है जो कि शाम को 7 बजे ओपन होता है। तो यहाँ पे आप आके आप मस्त मज़े भी ले सकते हैं वैसे खाने पीने का। तो रेस्टोरेंट अंदर है। ये हमको दिखाई दिया यहाँ पे पुराने ज़माने की तोपें। और ये यहाँ पे है पुराने ज़माने का सिस्टम, जो पानी चढ़ाने का, किस तरह से नीचे से पानी यहाँ पे आता था वो इस चरखी के द्वारा मैनुअली ये पहुँचाया जाता था यहाँ पे। आगे की जर्नी आप यहाँ से शुरू करते हैं। फोर्ट में घूमने के लिए तो
तो इसमें साइन दिया गया है कि हमको अभी इधर को जाना है, तो चलो अब हम इधर घूमते हैं पहले, फिर उसके बाद आएंगे वापस। तो ये है दोस्तों यहाँ पे श्रृंगार चौक, जहाँ पे कि नए राजा का राज्याभिषेक किया जाता था। और ये राज्याभिषेक देखने के लिए इसको तीन तरफ से लाल पत्थरों से झरोके से बनाया गया है। ये है ये झरोके जो कि तीनों साइड में हैं। और जब यहाँ पे राज तिलक होता था तो यहाँ पे लिखा है कि रानियाँ इन्हीं झरोकों से बैठकर और नीचे राज तिलक देखा करती थी। अभी दोस्तों आप चलते हैं हम अंदर, ये हौदा कक्ष है, इसमें कि हौदा बनाए गए हैं जिसमें कि राजा बैठ के, राजा राजकुमार राजकुमारी इनमें सब में चलते थे। ये हाथी हौदा, ये सारे के सारे हाथी हौदा, एलिफेंट हौदा। अब हम चलते हैं पालकी खाना में। तो चलो अभी हम चलते हैं फर्दर आगे के लिए। आगे हमको आई थिंक तीन मंजिल और ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो आगे की यात्रा शुरू करते हैं हम इस फोर्ट के लिए। यहाँ पे पंगड़ी वगैरह भी आप लोग बंधवा सकते हैं यहाँ पे आते हो तो, राजस्थानी लुक लेने के लिए। अभी इस किले में हम आगे बढ़े हैं तो हमको सामने मिलता है दौलत खाना। तो ये सामने दौलत खाना है, तो चलो हम इसमें घूमते हैं इसमें क्या चीज़ है। ये पालकी है महाडौल, और इसको अहमदाबाद के जो राजा को हरा के जोधपुर के राजा जीत के लाए थे। और ये पूरा गोल्ड प्लेटेड है, सोने का पानी चढ़ा और गुजरात की नक्काशी इसके ऊपर की गई है। ये दोस्तों तोरण है, और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जब शादी होती है तो दुल्हन के दरवाजे पे इसे लगाया जाता है, ये सब इसमें लिखा हुआ है। वो ये सारी राजा की तलवार है। दौलत खाना, अभी हम चलेंगे इसमें, ये देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इस आर्ट को किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए छोटा सा वीडियो यहाँ पे दिया गया है कि किस तरह से ये आर्ट बनाया जाता है। ये मारवाड़ चित्रकला, ये दोस्तों सारे राजाओं की फोटो है जिन्होंने कि इस जोधपुर पे राज किया था। तो अब इस रूम से हमको बाहर निकल के, तो यहाँ पे आई थिंक स्टेयर्स है, इन सीढ़ियों से हमको ऊपर चढ़ना है। वो देखो लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो ये तीसरी फ्लोर में आई थिंक ऊपर पहुँचेंगे हम लोग। तो चलो हम यहाँ से शुरू करते हैं फिर, इस रूम में अभी हम एंटर करते हैं।
दोस्तों इस रूम में जो दिखाया गया है वो जोधपुर का यहाँ का टेक्सटाइल दिखाया गया है, किस तरह से कलाकारी थे और किस तरह से वो बुनते थे, किस तरह से बनाया जाता था, वो सब दिखाया गया है यहाँ पे। दोस्तों ये है शीश महल कि चारों तरफ शीशे जुड़े हुए इसमें। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली इसका रूफ था जो कि एक बार टूट गया था तो इसको नीचे रख दिया गया है और उसके बाद ऊपर जो है नया रूफ बनाया गया, छत बनाया गया। दोस्तों यहाँ से एंटर करेंगे और ऊपर के लिए नेक्स्ट फ्लोर के लिए देखते हैं। और दोस्तों ये रूम है, फिर यहाँ से चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं ओपन टेरेस पे और ये है शस्त्र खाना। और ये है दोस्तों तख्त विलास यानी कि राजा महाराजाओं का बेडरूम था ये। तो अब हम यहाँ से जाएंगे नीचे की तरफ। तो जितनी सीढ़ियाँ हम अभी ऊपर चढ़े थे इतनी अभी हमको नीचे उतरनी पड़ेंगी। ये देखिए बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ, इसमें संभल के चलना मतलब बहुत, इसलिए दोनों साइड से ये दिए गए हैं ताकि आप पकड़ के चलो। तो चलो नीचे उतरते हैं। तो इस गेट से अब आगे हम बाहर निकलते हैं और आगे का देखते हैं कि आगे क्या है। तो दोस्तों अब हम एंटर कर चुके हैं झांकी महल में। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या झांके हैं। दूर से देखना बहुत खूबसूरत लग रहा है यार ये। तो दोस्तों यहाँ से लेके लास्ट तक जो दिखाई दे रहा आपको ये पूरी झांकियाँ यहाँ पे रखी गई है। तो अब हम इस गेट से बाहर निकलते हैं। हाँ जा
तो अभी हम चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि ये जो सामने है ये गेट है और यहाँ पे सामने वैसे म्यूजियम शॉप लिखी हुई है, तो इन दुकानों में भी देखते हैं क्या है। ये म्यूजियम है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वैसे अंदर, लेकिन इसके अंदर वैसे कैमरा अलाउड नहीं है। तो ये इसका एंट्रेंस है और ये इसका एग्जिट है, चलो। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें थी अंदर। यहाँ पे दोस्तों एक चामुंडा माता का मंदिर भी है, तो वो इस साइड में है, तो चलो हम मंदिर का दर्शन करते हैं। और मंदिर के लिए हमको दोस्तों यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा, और थोड़ा सा नीचे डाउन सीढ़ियों से उतर के फिर मंदिर के दर्शन हो पाएंगे। चलो नीचे उतरते हैं। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर के प्रांगण में, तो वो सामने जो दिखाई दे रहा है आपको मंदिर है। और तो दोस्तों माता के दर्शन हो चुके हैं अभी, अंदर के तो वीडियोग्राफी मना है। और दोस्तों ये सनसेट पॉइंट है, यहाँ से सन जो है अभी अस्त होने वाला है, तो एक तरफ सनसेट हो रहा था, दूसरी तरफ चांद निकल रहा है, दोनों आपको एक जगह दिखाई देगा। आज वो ऐसे फुल चांद, पता नहीं चांद इसमें आपको दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन चांद फुल आ रखा आज। अभी शाम हो चुकी है दोस्तों, शाम का माहौल देखो मस्त हो रखा है, एकदम मौसम भी बिल्कुल मस्त हो रखा है। तो अभी चलते हैं हम वापस। देखो दोस्तों चमगादड़ बहुत बुरी तरह से घूम रहे हैं, यानी कि यहाँ से निकलना ही सही है। तो यहाँ पे हमारे लोकल तो दोस्तों ये था आउटगेट, और अब हम फोर्ट से बाहर आ चुके हैं। नेक्स्ट छोटा सा गेट और भी आगे, तो चलो आगे चलते हम, और अब चलते हैं। दोस्तों ये है इसका एग्जिट गेट, और अब हम आ चुके हैं बाहर। और दोस्तों कल मैं यहाँ पे रुका था, और जितने मेरे पुराने दोस्त, क्योंकि ना मैं यहीं से रिटायर्ड हुआ था, तो जितने मेरे दोस्त मिले और जिस प्यार से मिले ना, सही में दिल खुश हो गया, लगा कि हाँ यार कुछ कमाया हमने। तो जैसे भी उन्होंने साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वो चाहे ललित हो, लॉरेंस हो, हिमांशु हो, मुलानी से मैं जाके मिलूँगा, अभी महेश सर से मैंने बात किया, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल भी जा रहा था कि यार कहीं मैं फौज में ही तो नहीं हूँ। तो थैंक यू, एंड थैंक यू डॉल आपके प्यार के लिए। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पर समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेहरानगढ़ फोर्ट घूम के, तो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और बंडी अच्छा लगा तो अपने फैमिलीज में, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में, सभी जगह शेयर कर दो यार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।